इस साइड में लावा है, थोड़ा सा हम इस साइड में होंगे तो हमें ये दुबई दिखेगा। ये देख सकते हैं दुबई, थोड़ा सा और हो जाएंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ये देख सकते हैं गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तैयब डीएक्स। आज की इस वीडियो में हम आपको इधर जो फ्यूचर म्यूजियम है उसके बैक साइड में थोड़ा, यानी कि शेख जायद रोड के अपोजिट साइड में एक एरिया है, काफ़ी खूबसूरत एरिया है, ग्रीनरी काफ़ी है इसके अंदर, तो इसके अंदर मोर वगैरह भी हैं, परिंदे वगैरह काफ़ी छोड़े हैं, मतलब वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम, तो उसका विजिट कर पाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, हम आपको इसका व्यू दिखाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बैक कैमरे से हम। ओके, ये एरिया की मैं बात कर रहा था, मैं आपको इसका पूरे का विजिट करवाता हूँ और फिर हम वो आपको दिखाएंगे। मेन चीज़ ये थी आपको दिखाने के लिए आया था, ये इधर से देखते हैं आप, इधर से दुबई लिखा हुआ, हम थोड़ा सा इधर टर्न होंगे तो हमें ये लव में नज़र आएगा, लव दिखाने लगा, और वो सामने जो फ्यूचर म्यूजियम है ये आपको एक बार दिखा दूँ मैं, ये इधर से दुबई नज़र आ रहा है, तो इस साइड से ये देखेंगे आप, ये आपको लव दिखेगा, ये देख सकते हैं इस साइड में लव है, थोड़ा सा हम इस साइड में होंगे तो हमें ये दुबई दिखेगा। ये देख सकते हैं दुबई, थोड़ा सा और हो जाएंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ये देख सकते हैं DUBEI। ओके, और ये आपको दिखाने के लिए लेके आया था मैं, बाकी ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। इधर ज़्यादा शो भी लगते हैं क्योंकि एरिया बड़ा, इधर बहुत अच्छा एरिया है, जगह बहुत अच्छी है, यानी कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है ये कह सकते हैं हम। तो बाकी फिर मैं आपको उस साइड में लेके चलता हूँ। मेरे पास आज माइक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा नॉइस भी आएगा, गाड़ियों का आएगा, तो बाकी हम चलते हैं उधर से, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम क्रॉस करेंगे रोड और जाएंगे। लोग इतने इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ लोग रोक लेते हैं, लोग जब कोई ये गुजर रहा होता तो ये नहीं है कि जाने वाले को तंग करते हैं। बाकी मोर हमें नज़र आ गया ये, बाकी इसके अंदर जाके ये पूरा ग्रीन हो गया, हम आपको दिखाएंगे। कबूतर वगैरह भी इधर है, ये इन टावरों के पास ही है, नीचे इन टावरों के, समझ लो कि नीचे है इसके, ये टावर आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत एरिया है, पेड़ पौधे इधर लगाए मैं काफी। ये मोर भी अभी बोला है,
पेड़ के ऊपर बैठा हुआ मोर। बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं और कोई नजर आ गया हो इस साइड से, देखते हैं काफी प्यारा व्यू आ रहा है। प्यारी प्लेस बनाई हुई है, ठंडा ठंडा है, इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है मेरे को लगता है, ये कैफे वगैरह है। इस साइड में इतने वो परिंदे नहीं है, हम दूसरा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कहीं और मिल जाए हमें। मोर बोल रहे हैं ना इधर, एक ये हाँ दो नजर आ रहे हैं। उसने पंख फैलाए हुए हैं, और इधर भी एक खड़ा हुआ है। इसका बच्चा देख सकते हैं छोटा सा, बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं। इसी एरिया में काफ़ी ये है ना कबूतर वगैरह भी है, एक मोर ये है। इधर कोई भी कुछ नहीं कहता है, इनको खाना वाना भी डाला जाता है, पूरा इसका केयर किया जाता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये ब्लू कलर में। Конечно, было бы классно и павлина, и काफी खूबसूरत है ये। और ये भी ये मोरनी लगती है, मोरनी के वो नहीं होती है जो मेरे को लगता है जो पारा ना, जो सामने एक मोर है। और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ उस साइड में काफ़ी बैठे हुए हैं।
उसके पाँव पे कुछ हो गया बेचारे के। बहुत खूबसूरत परिंदा है। अभी रोडों पर जैसे ये चल रहा है ना, तो कोई भी गाड़ी इसको हार नहीं देगी, इसको रोक के इसको जाने देगी पहले। इधर अलाउड नहीं है इनको तंग करना। बाकी ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है, देख रहे हैं। Просто размах быстрее себя давай. Я где-то подъем и пора тогда вот как-то вкусно награда. बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं। एक ये इस तरफ आ रहा बुर्ज खलीफा भी सामने नजर आ रहा है, इसको भी थोड़ा व्यू ले लेते हैं। इसके अंदर रैबिट भी है, मैं समझा अकेला मोरी है। ये देख सकते हैं हम, एक रैबिट बैठे हुए हमारे जाने के हम पास जाएगा तो ये दौड़ जाएगा। ये रैबिट बैठा हुआ कि ये बैठा हुआ है, ये रबड़ देख रहे हैं घास खा रहे हैं। बड़ी बड़ा खूबसूरत एरिया बनाया हुआ ये। रबड़ काफी खूबसूरत है।
खड़ी हैं ये अंदर। और हम सीधा भी निकल आए हैं उसके पास, जिसके पास फ्यूचर म्यूजियम के पास। तो सामने आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा फ्यूचर म्यूजियम। ये सामने आ गया है फ्यूचर म्यूजियम, उधर से स्टार्ट हुए थे और इधर हमारा लास्ट हो गया। ये था एरिया जो हमने आपको दिखा दिया है। फ्यूचर म्यूजियम इधर ही स्टेशन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उधर से हम बैठेंगे और हम चले जाएंगे यहाँ से। ये जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास लगता है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल था यूटेक्स भी। आज के इस वीडियो में इतना ही था जो हमने आपको दिखा दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात। ओके।